कैसे अप्रोच करना चाहिए सीजीपीएससी प्रीलिम्स को? सीजीपीएससी प्रीलिम्स को अप्रोच करने के लिए मेरा ऐसा मानना है कि आपको सिलेबस का कोई पार्ट नहीं छोड़ना है। आपको होता यह है कि एक्चुअली स्टूडेंट अपने इंटरेस्ट के सब्जेक्ट को ज्यादा पढ़ता है। किसी को हिस्ट्री पसंद है तो पढ़ने बैठेगा तो सबसे पहले हिस्ट्री उठाएगा। किसी को कॉन्स्टिट्यूशन पसंद है तो वो कॉन्स्टिट्यूशन उठाएगा। किसी की ज्योग्राफी पसंद है तो ज्योग्राफी। आपके इंटरेस्ट के विषय को पढ़ने से प्रीलिम्स में क्वेश्चन की मात्रा नहीं बढ़ेगी। अगर मैं हिस्ट्री को कई घंटा दे रहा हूं तो उसमें जितने क्वेश्चन आते उतने ही आएंगे ना। मेरे ज्यादा घंटे देने से उसमें ज्यादा क्वेश्चन तो नहीं आ जाएंगे। तो आपको हर विषय को उतना ही वेटेज देना है जितना क्वेश्चन वहां से आता है। लेकिन सिलेबस के किसी भी पार्ट को बिल्कुल ना छोड़ें। आप सिलेबस का कोई पार्ट नहीं छोड़ते, निसंदेह आप सफल होंगे। श्योर है, सब चीज को आपको अटेम्प्ट करते जाना है। नहीं, अटेम्प्ट तो आप एग्जाम हॉल में करेंगे, लेकिन सिलेबस में जो दे दिया है उसका कोई भी भाग नहीं छोड़ना है। ज्योग्राफी मुझे पसंद नहीं। अब ज्योग्राफी आपको पसंद नहीं है, अब आप कहेंगे इसको नहीं पढ़ता, इसके जगह मैं संविधान पढ़ लेता हूं, तो ज्योग्राफी क्वेश्चन कौन बनाएगा? इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन कौन बनाएंगे? तो ये तो आएगा ना भाई। आप कहते हैं नहीं है, चलो चार क्वेश्चन अगर ज्योग्राफी से पूछ लिया, वो चारों आपसे नहीं बने, अब आप एक नंबर से चूक गए, तब जिम्मेदार कौन है? अब आप कहेंगे मैंने मेहनत बहुत की थी, की तो थी, लेकिन ज्योग्राफी पढ़ा था क्या? नहीं पढ़ा था, पढ़ना चाहिए था उसको। सिलेबस आप बिल्कुल ना छोड़ें, सिलेबस को एकदम कंप्लीट कीजिए ही कीजिए, तब कहीं जाके आप। तो प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी एक साथ हो सकती है कि अलग से पढ़ा जाए? नहीं, हो सकती है, लेकिन जब प्रीलिम्स नजदीक आएगा ना तो आप एक दो महीने एकदम प्रीलिम्स पर फोकस हो जाइए, बाकी के समय आप मेंस को करिए। मेंस की तैयारी आप कर लिए रहते हैं तो प्रीलिम्स की तैयारी कमोबेश हो गई होती है, आधे से ज्यादा आप जान चुके होते हैं। आपको स्वयं को पॉलिश करना होता है, क्वेश्चन सॉल्व करना होता है। आप प्रीलिम्स के जितने ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ऑब्जेक्टिव टाइप, उतना ही आप ज्यादा श्योर होते जाएंगे। अच्छा जी, अच्छा।